राजेंद्र झाड़े को उद्धव ठाकरे, संजय राउत, सुनील केदार समेत कई नेताओं का समर्थन हासिल है। झाड़े जीतेंगे इसकी जानकारी प्रेस क्लब में आयोजित पत्रकार वार्ता में विधायक कपिल पाटिल द्वारा दी गई। संजय राउत ने मुझे फोन किया और पूछा कि क्या करना है। मैंने उनसे अनुरोध किया कि यदि आप अपना उम्मीदवार वापस लेते हैं तो राजेंद्र झाड़े के लिए यह लड़ाई आसान हो जाएगी। थोड़ी देर बाद मुझे फोन पर बताया गया कि हम शिवसेना के उम्मीदवार हैं, मैं संजय राउत और उद्धव को वापस ले रहे हैं। ठाकरे आपका धन्यवाद कि उन्होंने नागपुर शिक्षण निर्वाचन क्षेत्र से अपना उम्मीदवार वापस ले लिया। इस प्रकार राजेंद्र झाड़े के लिए मार्ग खुला हो जाएगा। पदवीधर चुनाव के दौरान कांग्रेस के कार्यकर्ता राजेंद्र झाड़े के लिए शब्द दे चुके हैं, इसलिए मुझे यकीन है कि वह आज भी उनके साथ है। नागपुर संभाग में राजेंद्र झाड़े ही मजबूत और सक्षम उम्मीदवार हैं, उन्हें शिक्षकों का भरपूर समर्थन प्राप्त है। बाइट, यह चुनाव में हमारा एजेंडा इस तरह का है कि जो भी पेंशन की पक्ष में है वह शत प्रतिशत अनुदान देने को तैयार है। मुझे यकीन है कि वे सभी राजेंद्र झाड़े के साथ आएंगे। साथ ही कपिल पाटिल बोले, राजनीति विनम्र और सभ्य होनी चाहिए और राजनीति में शब्दों का बड़ा मूल्य होता है, इसलिए लोग शब्द को याद करते हैं, लेकिन कांग्रेस अपने दिए शब्द से मुकर गया है। नागपुर विभागातील शिक्षकांनी मागच्या दोन निवडणुकीत झाडे सरांना थोडी प्रतीक्षा करायला लावली की सत्ताधारी पक्षाच्या उमेदवाराला निवडून दिलं तर आपले प्रश्न मार्गी लागतील, पेन्शनचा प्रश्न सुटेल, अनुदानाचा प्रश्न सुटेल, या एका चांगल्या भावनेने त्यांनी झाडे सरांना थांबवलं आणि त्यांच्या उमेदवाराला समर्थन दिलं। पण 12 वर्षानंतर त्यांच्या लक्षात आलं की ही चूक झाली, धक्का दिल्याशिवाय सत्ताधारी वर्गाला शहाणपण येत नाही आणि तो धक्का देण्याची संधी आता नागपूर विभागातील शिक्षक सोडणार नाहीत याचा विश्वास मी या 5 जिल्ह्यांचा दौरा केला आहे। आज नागपूरमधल्या शहरामधल्या शाळांमध्ये फिरलो तेव्हा विश्वास मला लक्षात आला की हे यावेळेला घडणार आहे आणि झाडांना 1 नंबरचं मत देऊन त्यांना आम्ही विधान परिषदेत पाठवू। कैमरा पर्सन राजकुमार मोहड़ के साथ क्षितिजा देशमुख, BCN News, नागपुर।